बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ना चाहेंगे एक्सेल के अंदर छोटे फंक्शंस, जैसे मैंने ऐसे टाइप कर लिया इज इक्वल टू SQRT स्क्वेयर रूट जजर जिसे हम कहते हैं। मैंने 10 टाइप कर लिया 100, इंटर करते हैं 100 का जजर 10 आ रहा है। 10 मल्टीप्लाई बाई 10 ये आपके पास क्या होगा 100 हो जाएगा। अच्छा मैंने यहाँ से टाइप कर लिया, मैं एक और भी करवाता हूँ इज इक्वल टू SQRT स्क्वेयर रूट मैंने टाइप कर लिया 25। 25 कैसे बनता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 ये बनेगा 25। उसके बाद मैंने यहाँ से टाइप कर लिया फैक्ट, फैक्ट का मतलब फैक्टोरियल। अब देखो साइंटेक्स के अंदर आपको खुद बता रहे हैं कि आपने नंबर टाइप करने हैं। अगर मैं 3 टाइप करूँगा तो ये मुझे आंसर देगा 6। क्या मतलब, ब्रैकेट के अंदर जो भी अमाउंट लिखा होगा वो एक से लेकर उसी अमाउंट तक आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या लिखा 3, मैं 1 और 2 और 3 को अलग अलग करता हूँ। 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2, 2 3 के साथ होगा तो 6। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैंने कहा फैक्ट में 4 कर लिया 4 कर लिया, इंटर आंसर आ गया 24। क्या मतलब हो, अब मैंने 4 लिखा था, अब मैंने ये 4 इस अलग कर लिया 1 2 3 4। 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 2 3 के साथ 6 6 4 के साथ हो जाएगा 24। अगर मैं इस फैक्ट को यहाँ से 5 कर लूँ तो इसका आंसर आएगा 125। ब्रैकेट में जो भी अमाउंट लिखा होगा वो एक से लेकर उसी अमाउंट तक आपस में ज़रब खाएगा। तो ये हमारे पास फैक्ट हो गया, फैक्ट का मतलब फैक्टोरियल। अब ब्रैकेट में जो भी अमाउंट लिखोगे वो एक से लेकर उसी अमाउंट तक आपस में ज़रब खाएगा। मतलब आपने 5 लिखा तो 1 2 3 4 5, 1 2 के साथ, 2 3 के साथ, 3 4 के साथ, 4 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं इसको 6 कर दूँगा तो इसका आंसर आएगा 720। तो हम यहाँ पे 6 भी टाइप करेंगे, ये हमने ब्रैकेट में वहाँ पे 6 टाइप किया था। अब एक दूसरे से ज़रब खाएगा, 5 6 के साथ खाएगा 30 30 4 120, 360 360 2 720 720 हो गया, ये फैक्ट हो गया। एक हमारे पास है पावर इज इक्वल टू पावर। पहले क्या पूछ रहे हैं, नंबर फिर पावर। मैंने 5 लिख लिया कॉमा 2 लिख लिया, इसका मतलब 5 की पावर 2। आपने देखा होगा मैथ में, अब लिख लेते हैं 5 की टाइप। मैंने टाइप कर लिया 5, ये 5 हो गया, ये मैंने 2 लिख लिया। थोड़ा मिसप्रिंट बना रहा है, सही नहीं बन रहा। 5 की पावर 2 इसका मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या बनेगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 बनेगा 25। ये लैपटॉप के पेड से लिख रहा हूँ। तो ये आपके पास क्या होगा, 5 की पावर 2 25 बनेगा। अगर मैं इसको 5 की पावर 3 करूँगा तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 तीन मरतबा 5 ज़रबे 5 मतलब 125 बनेगा। अगर आप इसी में डेटिंग करना चाहते हो F2 रीनेम की शॉर्टकट की है, रीनेम F2 कर लो। मैंने कर लिया 5 की पावर 4 5 ज़रबे 5 ज़रबे 5 ज़रबे 5 चार मरतबा, तो ये बन जाएगा 625। क्लियर यहाँ तक। अच्छा इसका शॉर्टकट एक और तरीका भी है, मैंने टाइप कर लिया 6 कैरेट। ये कैरेट जो है ऊपर जो 1 2 3 4 5 नंबरिंग है 6 के ऊपर ये नंबर आया 6 कैरेट 2। पहला आप इक्वल दे दो, इक्वल 6 कैरेट 2 मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 2 6 की पावर 2 6 की पावर 2 36 बन जाएगा। क्लियर यहाँ तक। ये आपके पास क्या हुआ, स्क्वेयर रूट हुआ और पावर हुआ और फैक्ट हुआ, ये 3 हमारे पास छोटे छोटे फंक्शंस हो गए।